उस तरफ चलो। कृष्णा तू पैदल क्यों जा रहा है? तेरी गाड़ी कहाँ है? तूने मुझे आइडिया दिया था ना, उसी का नतीजा है। क्या है? मुझे अपनी आइडिया पर पूरा भरोसा है, वो कभी फेल नहीं होता, इसलिए मंत्री लोग मुझे अपने पास रखते हैं। खैर ये बता, आखिर हुआ क्या है? तूने ही कहा था ना कि कोई भी पैसेंजर आए उसे ये मत पूछना कि उसे कहाँ जाना है। हाँ? एक लड़की आई, मैंने उससे नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, वो सीधा अपने बाप के घर के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी करवा दी। उसके बाप ने गाड़ी स्विच कर ली। वो सेठ की औलाद अपनी बेटी को पैसेंजर बना के भेजा था मुझे फंसाने के लिए। कृष्णा एक काम कर, तू क्या करूं? तू उनकी लड़की को सीज कर ले। हाँ, फिर तू उनके घर का दामाद बन जाएगा, गाड़ी की किस्त का प्रॉब्लम तेरा खत्म हो जाएगा। क्या आइडिया दिया यार, मैं ये सोच रहा था कि उधारी खाना कब तक खाऊंगा। हाँ, अब मैं उसके पीछे ही पड़ जाता हूँ। हाँ? तो फिर चलते हैं। मैडम जी, आप मंत्री जी की बेटी हो और समाज सेवा भी करती हो, इसलिए आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं क्या? क्यों नहीं पूछ सकते, पूछिए। आपका सबसे प्यारा कौन है? मेरी माँ। तो फिर अपने पिता की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है क्या? मैंने कहा ना, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। आपकी माँ भी समाज सेवा करती थी? हाँ करती थी। अब भी करती है क्या? नो, सी इज नो मोर, इस दुनिया में नहीं है। सॉरी, जरा ग्लास बंद कीजिए मैडम। मेरी माँ की आत्मा की शांति के लिए मैं अपना जन्मदिन बहुत सादगी से मनाती हूँ। वेरी गुड। आप माँ की तरह सिर्फ समाज सेवा करना चाहती हैं या फिर अपने पिता की तरह पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं मैडम? मेरे पिता एजुकेशनल मिनिस्टर है, ये पता है तुम्हें? पता है भाग्यश्री जी, पता है। बदमाश किडनैपर जैसे नहीं लग रहे हैं। आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलिए, मैं आप लोगों की मदद करूंगी। प्लीज मुझे बताइए, सच में? यू आर एब्सोल्युटली राइट, हमारा मकसद पैसा नहीं, सच्चाई बाहर लाना है। उसके लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, तुम्हें हमारे कहे मुताबिक काम करना होगा। रेखा, भले ही जर्नलिज्म का काम हार्ड है, लेकिन रिस्क उठाकर काम करने से लोग आगे बढ़ते हैं। कीप इट अप। थैंक यू सर, आपके दिए हुए आदेश को मैं सदा ही फॉलो करती रहूंगी। सर, मैडम का फोन आया है। वन मिनट सर। ओके, कैरी ऑन। हेलो मैडम, मैं संतोष बोल रहा हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कैसेट मिला है मैडम। यस मैडम। आप गांधी बाजार के गणेश बुक स्टॉल के पास आ सकती है क्या मैडम? हाँ आती हूँ अभी आती हूँ। ये हॉट न्यूज। इवनिंग न्यूज
क्या बातें, क्या मैसेज है? आज की ताजा खबर। किसने दिया? ये कैसे पब्लिश हुआ? घर में इतने जन को रखवाली करने के लिए रखा हूँ, ये बात न्यूज वालों तक कैसे पहुंची? किसने दिया है ये बताओ। सर जरूर वो फरार हुई लड़की ने ये काम किया होगा, ऐसा मुझे शक हो रहा है सर। वो चाहे जो भी हो, मेरी इमेज तो डैमेज हो गई ना, उसकी वजह से तो मेरी राजनीति का सारा खेल चकनाचूर हो गया। ये खबर तो अब देश के कोने कोने तक फैल गई होगी कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है। ये खबर प्रेस को देने वाला वो शख्स मुझे चाहिए। मेरा सीएम बनने का सपना उन लड़कों की वजह से पल भर में चकनाचूर हो गया है। ए! इस बात का पता लगाओ कि ये काम किसने किया है। ठीक है, फिर चाहे वो कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, वो मेरी हाथों से नहीं बचेगा। उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। भाटेल, सर तुम एक काम करो, नो, मेरी बेटी का किडनैप हुआ है ये बात मीडिया की खबर बन गई है, इन सबको तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। बस एक बार मुझे सीएम बन जाने दो। ए बांडे, मेरी बात जरा गौर से सुनो। तू अब जो भी प्लान बनाएगा ना, वो तेरे दिमाग में ही कैद रहना चाहिए, समझ गया ना तू? सबसे पहले वो किडनैप करने वाले को ढूंढना ही होगा और सीएम को पछाड़ना होगा। उसके बाद किसी को भी आने दो, मुख्यमंत्री तो मुझे ही बनना है। क्या कमाल की फोटोज है। ना हार है ना जीत है, मेरी बेटी का किडनैप नहीं हुआ है, वो मेरे घर में ही है। अरे इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है? सच कहूंगा तो तेरा पावर वीक हो जाएगा, मेरा पावर तो बिखर जाएगा, इसलिए छोटा सा झूठ का सहारा लेना पड़ा, वरना मेरा सीएम बनने का सपना चकना चूर हो जाएगा यार। उसके बाद मैं वो बात मैं तुझे नहीं बता सकता, पहले डीसीपी से बात तो करना। उसे यही बुलाया यार, बस कुछ ही देर में आने वाला है यहाँ पर। दीदी पहले खंबे का इंतजाम करो, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। चल चल मेरे साथ चल चल। मेरे भाई मेरी बेटी कहाँ है, ये पता लगाओ और उसे सही सलामत लेकर आओ। मेरे भाई तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, तुम्हारे पैरों में गिरकर प्रणाम करूंगा। मेरे भाई पहले आप एक कंप्लेंट लिखवा दीजिए। अरे रे 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 रे, इसको किसने डीसीपी बनाया है यार? मेरे भाई मेरी बेटी का किडनैप हुआ है, ये बात पूरी तरह ये पब्लिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे यार तुम इसको समझाओ। हाँ मैं समझाता हूँ। सुनो डीसीपी, ये बात तो पेपर में आ चुकी है सर। अरे उसी को तो झूठा साबित करना है। मतलब डीसीपी ये कानून के हिसाब से होने वाला काम नहीं है, ये कानून के दायरे से बाहर होकर करने वाला काम है, समझे? इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो रिपोर्टर भवानी और वकील सत्यराज का कम से कम मुंह तो बंद करवाओ यार। सर वो इन्होंने जो पहले कहा वो करो। यस सर। अरे यार इधर लाना, बीपी बढ़ गया इसका। हाय शशि, मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचू। तू इतनी सीरियस होकर क्या लिख रही है? मैंने क्या लिखा है ये तुम खुद ही देखो। शिक्षा मंत्री की बेटी का अपहरण, कारण उसकी हैवानी, ये क्या लिखा तूने? ऐसा लिखेगा तुझे छोड़ेंगे नहीं। आई डोंट केयर। तू उनसे इतनी नफरत क्यों करती है? वो इसलिए
बच्चे, तेरे भेजे हुए सारे बॉडीगार्ड को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए एम्बुलेंस भेज। तेरा किया हुआ हैवानियत का काम वीडियो कैमरे से शूट हो चुका है, उनको तुमने ही भेजा है, यह बात तेरे बॉडीगार्ड लोग कबूल कर चुके हैं। यह वीडियो कैसेट अब सीएम के पास जाएगा। मेरी जान की तो मुझे परवाह नहीं, जाएगी तो तेरी अब कुर्सी। आज से तेरा राजनीति का बुरा वक्त शुरू हो गया है भवानी। नो, वही मेरे लिए एक चैलेंज है। अब वो लोग कहाँ है? जेल में है। वो लोग कोई प्रोफेशनल तो नहीं है ना? वो मामूली बात है यार, चल ना कैंटीन में चाय पीते हैं। ये लीजिए सर। सर मुझे लग रहा है ये काम जरूर फरार हुए लड़कों ने ही किया है। वो लोग मिल गए तो आपकी लड़की भी जरूर मिल जाएगी। सारे पुलिस स्टेशन में इनकी तस्वीर भेज दो। मेरे ही कॉलेज में पढ़ाई करने वाले लड़के आज मेरे ही साथ खेल खेल रहे हैं। ये लड़के कहीं किसी से मिल जाएं, उन्हें छोड़ना मत, सीधा गोलियों से भून देना। उन्हें गोलियों से भुनवाने का सपना तुम छोड़ दो, लड़के लोगों को कुछ भी करने दो, आज नहीं तो कल सामने आएंगे ही। ये काम राजनीति में रहकर नहीं करना चाहिए, राजनीति से हटकर करना चाहिए। इसके लिए चार लड़कों को तैयार करो, तुमसे ना हो तो ये काम मैं कर दूंगा। वो लोग उन लड़कों को कहीं से भी ढूंढ कर ले आएंगे। बेकार में अपना दिमाग खराब कर रहे हो। आहा, आपने कह दिया तो समझो हो गया। ये लीजिए। ए इधर आओ, ये जिन लड़कों का फोटो है उन्हें कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, जाओ। ओके सर। अच्छा सर, आप कौन है? लॉयर सत्यराज। आप ही बताइए, मिनिस्टर की बेटी का किडनैप किया गया, क्या इंसाफ है? तुम्हारे पिता के हैवानियत और उसके दरिंदगी को सामने लाने के लिए ये किडनैप सही है। तुम्हारे पिता एक स्वार्थी दरिंदा है, वो अपने स्वार्थ के लिए अब तक कितने लोगों की बलि ले चुका है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमारा काम होने तक तुम्हें हमारे पास ही रहना पड़ेगा। अरे सर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके रास्ते में जो भी आया होगा वो जिंदगी में सबक जरूर सीखेगा, आप परेशान मत होइए सर। हेलो, चीफ मिनिस्टर को मैं सच्चाई कह दूंगी। ये लड़कियां तो शराब भी देती है, समझ रहा था अब तक, ये तो शौक भी देती है। ए, क्या बात है बताना। किसी भी सूरत में ये सीक्रेट लीक नहीं होना चाहिए। You have to be careful. Miss Bhavani, minister की बेटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर। तो फिर ये बात तुमने पेपर में क्यों छपवाई? किडनैप करने वाले ने मुझे फोन करके बताया। भाग्यश्री कहाँ है ये तो तुम डेफिनेटली जानती ही होंगी। No. जब तक पुलिस की ट्रीटमेंट नहीं मिलती तब तक तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी। वो तो आपके बस की बात नहीं है। यू नो व्हाई डीसीपी, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके मुताबिक माननीय विद्याशंकर जी की बेटी का किडनैप हुआ है, ऐसी कोई कंप्लेंट ही नहीं है। सो बेकार की इंक्वायरी करने से बेहतर है कि आप इज्जत से जाएं। कम ऑन भवानी। आप हद से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ये मत भूलिए कि मैं एक एडवोकेट हूँ। क्या कहा कमीने? नहीं हिम्मत कैसे हुई? अब लड़िए मत, रुक जाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप एक लड़की के लिए आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? डीसीपी साहब, पुलिस एक्ट के आधार पर आपको चाहिए तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए, दैट्स ऑल। उतना ही नहीं, उस विद्याशंकर को लड़की चाहिए तो A05A220 कृष्णा, मैंने सीज किया है। हाँ, लेकिन गाड़ी को। आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं जो कहूँगी वो करोगे ना? मेरे पापा का दिल बिल्कुल मोम जैसा है, एकदम से पिघल जाता है, बिल्कुल मेरे जैसा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
फिर इसके बाद मुझे गाड़ी सीज करने से छुटकारा मिल जाएगा। तुमने कह दिया तो समझ लो हो गया डार्लिंग। फिर से एक बार कहिए ना। क्या कहूँ डार्लिंग कह के। डार्लिंग फिर से एक बार और कहिए ना डार्लिंग। डार्लिंग हाउ स्वीट। आपकी आवाज कितनी प्यारी है। इस वक्त मेरे पापा बाजू के रोड में जॉगिंग कर रहे हैं। किसी तरह जाके उन्हें पटा लीजिए। मैं चलूं। बाय 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 बाय। माते ये आइडिया तो सक्सेस कर दो ना माते।